मदर टेरेसा, एक ऐसा नाम जिसने अपने पूरे जीवन को असहायों और ज़रूरतमंद लोगों के लिए समर्पित कर दिया था। आज उनकी 110वीं जयंती है। दिन रात पीड़ितों और गरीबों की सेवा करने वाली मदर टेरेसा को आज इस मौके पर पूरी दुनिया याद कर रही है। मदर टेरेसा के जन्मदिन पर कोलकाता समेत देश दुनिया के कई शहरों में कार्यक्रम के आयोजन होते हैं। उनके लिए विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की जाती है और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए मानव सेवा के प्रण लिए जाते हैं। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को मैसिडोनिया के स्कोब्जे शहर में हुआ था। उनके विचारों ने समाज में शांति और प्रेम बनाए रखने का काम किया। रोमन कैथोलिक नन मदर टेरेसा साल 1929 में भारत आईं और हमेशा के लिए यहीं रह गईं। 1948 में उन्होंने भारतीय नागरिकता ले ली। टेरेसा ने 1950 में कोलकाता का रुख किया। उन्होंने 1950 में कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। उनकी स्थापित की हुई संस्था मिशनरीज ऑफ चैरिटी दुनिया के 123 देशों में 4,500 सिस्टर के जरिए लोगों की सेवा निरंतर जारी रखे हुए है। मदर टेरेसा ने कोलकाता को अपना घर बनाया और 68 साल तक गरीबों और लाचार वर्ग की सेवा कर दुनिया को मानवता की शिक्षा दी। यहाँ आने से पहले वो ऑटोमन सर्बिया, बुल्गेरिया और यूगोस्लाविया की नागरिक रह चुकी थी। 1989 में जब टेरेसा नोबेल का शांति पुरस्कार लेकर देश लौटी थी, इसके अगले साल यानी साल 1980 में उन्हें भारत रत्न मिला। दिन रात असहायों की सेवा करते करते मदर टेरेसा की तबीयत दिन पर दिन खराब हो रही थी। सेहत लगातार खराब रहने के कारण उन्होंने 1996 में संस्था के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने 5 सितंबर 1997 को मदर टेरेसा ने 87 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया।